अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक है, और जो बहन भाई दुख और तकलीफ में, अल्लाह पाक उनकी दुख और तकलीफ को दूर अता फरमाए, और जो बाहर के मुल्क के, अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे सेहत वाली। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। माशाल्लाह से मैंने सोचा आज अपने व्यूअर्स के साथ बाहर का व्यू भी शेयर कर लेते हैं। तो देखे कितनी गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा है, और माशाल्लाह से कणक जो है पिछली वीडियो में आपको दिखाई थी ये कट चुकी है, और वो देखो वहाँ पर चारों दाने भी जमा हुए हुए हैं। माशाल्लाह से ये पूरी जो है ना कणक कट गई है। दीवार आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। गांव के इलाकों में तो वैसे भी ज़्यादा गर्मी होती है, और अब तो गर्मी की अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो गर्मी बहुत तेज़ आनी है। और देखा ये सारा हमारे गाँव का व्यू है। मुझसे खड़ा भी नहीं हो वहाँ जा रहा हूँ, और इतनी गर्मी है। तो आज हम आपसे अपनी दोपहर की रूटीन शेयर करेंगे, तो वीडियो को फुल वॉच करना, चले अभी घर चलते हैं। गर्मियों का स्पेशल तोहफा जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा ये बनाया जाता है, बनाया भी जाता है। तो आप वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो के साथ साथ रहना, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बना रहे हैं। तो अभी तो हम आग जला रही हैं, बनाने की तैयारी करते हैं, फिर हम आजकल बताऊँ सस्ते रात भी हैं, बताऊँ खाओ कहले बर्ता दे कहले भाजी। बताऊँ जो है ना सस्ते हैं, क्योंकि बताऊँ का मौसम है, तो इसलिए जो है ना हम यहीं गए, कभी आलू बताऊँ बनाते हैं, तो कभी जो है ना बताऊँ का बर्ता बना लेते हैं। तो अभी आज की जो रेसिपी है वो कुछ अलग तरीके की है, वो कुछ अलग तरीके की हमारे गांव की स्टाइल की है। तो जो है ना शहरों में भी ऐसे बनाते होंगे, लेकिन हमारे गांव में जो है ना अलग तरीके की बनाई जाती है, और जो है ना ये बुजुर्ग भी हमारे बुजुर्गों से खाते आ रहे हैं, और जो है ना मेरी अम्मी को भी जो है ना मेरी नानी ने बनानी सिखाई थी, तो मेरी अम्मी को फिर बनानी आती है, तो वो हमें अक्सर बनाकर खिलाती हैं। जब माशाल्लाह से भी हमारे जो बैंगन है वो भुन गए हैं, अभी हमें छिलका उतार रही हूँ उनको, और मैं जो सामान बना लेती हूँ, सब्जी काट लेती हूँ। माशाल्लाह से हमारे बैंगन अम्मी ने धो लिए हैं, और इनका काला पानी निकाल लिया है, और मैंने जो आलू प्याज टमाटर और जो है ना धनिया मिर्च काट ली हैं, और अभी जो है ना बनाना शुरू करते हैं। और जो हमारी आज की स्पेशल रेसिपी है वो है बैंगन का रायता, जो अभी हम बनाएंगे। तो जो है ना ये इसका कोई नुकसान नहीं होता, गर्मियों में बहुत ही ठंडा होता है, और दही के साथ बनता है, इसलिए जो है ना गर्मियों में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। और हम दोपहर को जो है ना रोटी कभी कभी बना लेते हैं, तो दोपहर को रोटी इसके साथ खा लेते हैं, तो ये शाम को भी यही खा लेते हैं, और ये जो है ना बहुत ही मज़े का होता है। माशाल्लाह से मेरी भांजी भी आई हुई है, और
ईद पर इसको हम ले आए थे और अम्मी की तो तबीयत खराब थी इसलिए इसको कहीं घुमाने भी नहीं लेकर जा सके। और सबको सलाम करो नम फिवर। हमें बैंगन जो है 20 रुपए किलो मिले थे, सस्ते मिले थे, तो इसलिए हमने ले लिए हैं। और हमने जो है सुबह रोटी नहीं खा कर जाते, काम पर देर हो रही होती इसलिए हम रोटी बना कर चले जाते हैं, तो सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं। तो रोटी पड़ी हुई है तो उसी के वो रोटी हम इसी के साथ खा लेंगे। तो अभी चूल्हे पे भी धूप थी तो इसलिए वहाँ पर रोटी बैठ कर पका नहीं सकते। माशाल्लाह से इसमें दही डाल दिया, अब मसाला डालेंगे और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें कच्चा मसाला डाला जाता है, इससे जो है ना ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े दे बड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह से भी हमारा रायता तैयार हो गया है बैंगन वाला। अभी जो है हम रोटी खाएंगे। शाम को खवाए रोटी ना, शाम को लाल कचा होती दादा ने काज रखा है, शाम को रोटी ना खा। माशाल्लाह से आपने कमेंट करके बताना है आपको हमारा बैंगन का रहता कैसा लगा। अभी मैं चखती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार। माशाल्लाह विवर बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही लजीज बना है, इतनी मेहनत भी की है, मेहनत का फल भी मीठा है। और माशाल्लाह से जो है ना इसी के साथ आज की वीडियो भी ख़त्म होती है। जो बहन भाई चैनल पे नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो आपके दौर पर निकी समझ के सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।